प्रदेश में कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार के बीच अलग अलग स्थानों से लोगों की लापरवाही के मामले भी नहीं थम रहे हैं। आपको बता दें कि ताजा मामला श्योपुर जिले के वीरपुर कस्बे का है, जहां गुटखा के तलबगारों ने एक हफ्ते के कोरोना कर्फ्यू के बीच एक दुकान पर भीड़ जमा कर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। गुटखा के लिए उमड़ी भारी भीड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने दुकान संचालक सतीश गर्ग के खिलाफ केस दर्ज करते हुए दुकान सील कर दी है। सर, सुबह जो 9 बजे छोटे दुकान व्यापारियों की भीड़ यहाँ पे कभी सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हो रही थी, उसके बारे में थोड़ी सूचना दो। देखिए, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि अभी हम लोगों ने परसों के दिन ही पूरे व्यापारी संघ से मीटिंग की थी वीरपुर के, कि हम किसी व्यापारी को परेशान नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप शासन प्रशासन के द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं कोविड नियमों के लिए, उनका आप पालन कीजिए। पर उक्त दुकान पर आज आपने देखा होगा, एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, यहाँ पे हमारे द्वारा भी समझाया गया था, परंतु फिर भी करीबन 200-250 लोगों की भीड़ इकट्ठी की गई तथा कोविड नियमों को उल्लंघन किया, उसी परिप्रेक्ष्य में ये कार्रवाई की गई है। इनके खिलाफ 188 जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। अभी दुकान सीज की गई है, आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाइयाँ चलेगी। अगर ये लोग नहीं सुनते हैं और नियमों का उल्लंघन करते हैं तो जो भी विधि अनुसार कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। देखिए, ये गुटखा व्यापारी हैं, यहाँ पे राष्ट्रीय के डीलर हैं, जिनके द्वारा राष्ट्रीय वितरण के लिए भीड़ इकट्ठी की गई थी, राष्ट्रीय बांटी जा रही थी इनके लिए, तो गुटखा व्यापारी बड़े लेवल के गुटखा व्यापारी हैं, उसी के तारतम्य में यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई थी। और सभी को मेरा ये संदेश है कि आप लोग कोविड नियमों का पालन करिए, हमें आप सभी लोग कोविड नियमों का पालन करिए तथा इस प्रकार की कोई भी गतिविधि मत करिए आप लोग, नहीं तो अन्यथा आप लोगों के खिलाफ भी जो भी इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं हम लोग विधि अनुसार कार्रवाई करेंगे इसमें।